नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है ऑस्कर अवार्ड, जो 11 मार्च को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजन किया गया। पूरी दुनिया की नजरें इस ऑस्कर अवार्ड पर टिकी हुई थी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में कई सितारों ने अपने टैलेंट के दम पर यह अवार्ड अपने नाम किया, लेकिन इस अवार्ड शो में जिसने सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली वो थे एक्टर और WWE रेसलर जॉन सिना। जी हाँ, ऑस्कर 2024 समारोह में उस वक्त अजीब मोड़ आ गया जब जॉन सिना स्टेज पर न्यूड होकर चले गए। दरअसल इस समारोह में जॉन सिना को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड देना था। इस अवार्ड को देने के लिए रेसलर किसी कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि बिना कपड़ों के ही पहुंच गए। उनके इस न्यूड लुक ने थिएटर में बैठे हर दर्शक के होश उड़ा दिए। उसी दौरान जॉन सिना को देख लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। इतना ही नहीं, दर्शक खूब हंसने भी लगे। स्टेज पर आते ही जॉन सिना ने कहा, आउटफिट वो बहुत जरूरी है, शायद वहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाद में जॉन सिना को एक पर्दे से कवर किया गया, जिसके बाद उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के विजेता की घोषणा की। उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंडियन ऑडियंस तो जॉन सिना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जॉन सिना का वीडियो देख लोगों को रणवीर सिंह की याद आ गई है। एक यूजर ने लिखा, रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड हो गया भाई। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ब्रो गॉट अल्टीमेट इंस्पिरेशन फ्रॉम रणवीर सिंह। वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, आई एम स्कैर्ड, रणवीर सिंह विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, नेक्स्ट टाइम ही विल ऑल्सो कम न्यूड टू कलेक्ट अवार्ड इन फिल्मफेयर अवार्ड। वहीं कुछ लोग जॉन का ये वीडियो देख उन्हें उर्फी जावेद का भाई बता रहे हैं। खैर, जहां कुछ लोग जॉन सिना का मजाक बना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग जॉन सिना पर भड़क भी रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह इस प्रेस्टिजियस अवार्ड का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक यूजर ने कमेंट किया, ही इंसल्टेड द ऑस्कर अवार्ड, बट इफ आई से हु इज बिहाइंड दिस, आई मीन हु इज देयर विद देम नॉट टू स्टॉप हिम। दूसरे ने लिखा, जॉन सिना शुड हैव डन ऑल दिस एट द पॉन अवार्ड शो एंड नॉट एट द एकेडमी अवार्ड्स, इट्स शेम टू दिस काइंड ऑफ न्यूडिटी एट ऑस्कर्स। वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा, ये इंडिया में किया रहता तो केस लग गई रहती अब तक, वहां कूल लग रहा है। एक और यूजर ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे कई कमेंट हैं जो लोग लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुअर थिंग्स ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर जीता है। साथ ही क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर ने ऑस्कर 2024 में इस बार बाजी मार ली है। इस मूवी ने अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। खैर, बात करें जॉन सिना की इस वीडियो की, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।